फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो पूरा एटम होता है उसका ज्यादातर चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज और उसका ज्यादातर मास जो है वो एक ही जगह पे कलेक्टेड रहते हैं उसके अंदर, उसके सेंटर के ऊपर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और उसके आसपास जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और इस तरीके से ये पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर बन जाता है। ठीक है, ये चीज, ये जो मॉडल है हमें रदरफोर्ड ने दिया था। आज उसी मॉडल के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं या इनकी कुछ जगह फिक्स है या, और साथ ही साथ ये जिस स्पीड से घूम रहे हैं, जिस वेलोसिटी से घूम रहे हैं और किस एनर्जी के साथ घूम रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनकी मतलब इनकी पोजीशन के हिसाब से इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती होगी, उसके हिसाब से इनकी एक्सेलरेशन भी आता होगा इनके अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, अलग अलग ऑर्बिट पे स्थित अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो हमारे लिए इजी है जानना पहले। इसी के आइडियल बनाते हुए हम लोग आगे के एटम्स के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है जो कि हाइड्रोजन एटम है, जिसमें एक न्यूक्लियस स्थित है बीच में, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास उपस्थित है, और वहीं पर उसी के पास जो एक ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें ये जानना है कि किस दूरी पे, यानी किसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द एटम क्या है। ठीक है, उसको जानने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज का जो हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स होता होगा अट्रैक्शन का, तो एक दूसरे को खींचते होंगे। तो सबसे पहली चीज वही चीज है, तो हमें वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखना है। तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0·E·E²। देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस प्लस का साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स है तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ई डॉट ई मैंने ई स्क्वायर लिख दिया इसको, ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन वहीं आप अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये बाहर की तरफ एक सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगेगा, जिसको आप लोग, वैसे तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इसकी घूमने के कारण ही लग रहा है, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स बाहर की तरफ ले जाएगा इसको इस तरफ, और फिर थोड़ी दूर देर के बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर इस तरफ, इस तरीके से एक सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसे बाहर की तरफ भी खींचता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल। तो उस सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं अपन लोग, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी और उसकी रेडियस, ठीक है, अपॉन में उसकी रेडियस, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो वहां हम दोनों को एक काम करते हैं कि अपोजिट लिख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल्स टू में माइनस का एफ सी। कहने का मतलब ये हो गया कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, तो माइनस का निशान तो हम लोग लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रख देंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0·E²/r², ये जो है माइनस में होगा। ठीक है, पूरा का पूरा। अब यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, द रेडियस ऑफ द एटम। तो आर की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल बात है, ये जो आर स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये एम वी स्क्वायर नीचे की तरफ इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0·E²/m एम वी स्क्वायर, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0·E²/r², तो यानी कि ये वो रेडियस है, इतनी दूरी होगी जिस पर ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा एक हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसी चीज में एक ऑर्बिट में ये वो रहेगा, बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेडियस हमें निकल गई, अब हमें निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी में से। अब देखिए, आगे आर का कोई इतना यूज नहीं है, आर तो सिर्फ हमें पोजीशन बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कौन से ऑर्बिट में होगा। तो इसको छोड़ करके हम लोग एम वी स्क्वायर की तरफ चले, तो वापस एक बार हम लोगों ने एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 1/4πε0·E²/r² रख दिया, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ये जो आर है इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0·E²r·r², और आर से आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0·E²r². ठीक है, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/2 mv² ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी से ये
गति करेगा। तो 1/2 और एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है 1/4πε0·e²r। तो ये जो पूरी वैल्यू निकल के आई है वो निकलेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये हुआ कि इस एनर्जी के साथ साथ, मतलब इसी एनर्जी के दम पर ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है इस पूरे न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप लोग कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमें मालूम है 1/4πε0·e²r, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है निकल के आएगी उसकी, लेकिन ये वैल्यू जो है वो माइनस में होगी। कारण कारण ये है कि देखिए ये जो वैसे साइन जो है ये माइनस में होगा ई डॉट ई, यहाँ पर मैं सीधे सीधे मैग्नेट्यूड नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है उस पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो माइनस में होगी, ठीक है। तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, और हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2 1/4πε0·e²r² माइनस 1/4πε0·e²r, ठीक है। तो अब यहां से आप लोग 1/4πε0·e²r जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और 1/2 -1, तो इस तरीके से E इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2 1/4πε0·e²r, ये वैल्यू बच के आई। देखिए मैंने यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो माइनस में सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो से बाहर की तरफ खींच रही है, और ये जो फोर्स है मतलब अंदर का जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसे अंदर की तरफ खींच रहा है, तो टोटल एनर्जी भी माइनस में आई है। तो ये माइनस का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में बना रहेगा, यानी कि भाई कहने का मतलब ये है कि एक एनर्जी इसको अंदर की तरफ खींच रही है, एक फोर्स इसे अंदर की तरफ खींच रहा है, एक एनर्जी से बाहर की तरफ ढकेल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये अपनी जगह पे स्टक रहेगा, बना रहेगा और इस तरीके से रिवॉल्व करता रहेगा। अब इसी तरीके से और भी एटम्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इसी तरीके से अपने ऑर्बिट में बने रहते हैं, लेकिन सबकी यही एनर्जी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अपन ने बताया हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हमें पता है, तो उसकी एनर्जी तो ये होती है। इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड की बात करूँ जिसमें 79 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अपने अपने ऑर्बिट्स होते होंगे। बस यही एक बात थी जो हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड के टाइम पर नहीं पता चली थी ढंग से। देखिए आप अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो एक हमारे पास एटम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है जो इसे बाहर की तरफ खींच रही है और फोर्स इसे अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा तब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब होता है एक्सेलरेशन में भी चेंज आया होगा, और एक्सेलरेशन का चेंज का मतलब होता है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करते हुए कुछ ना कुछ निकाल भी रहा है अपने से बाहर, इमिट भी कर रहा है, यानी कि इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिवनेस, मतलब रेडियो रेडिएशन निकाल रहा है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं इसको आप लोग। तो वो जब बाहर निकाल रहा है तो यकीनन इसकी ये इस एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ कमी आती जाएगी, कुछ ना कुछ रेडिएट करता जाएगा तो कुछ ना कुछ बाहर निकालता जाएगा तो घटता जाएगा इसके अंदर, और घटने का मतलब ये हुआ कि अपना ऑर्बिट छोड़ेगा कभी ना कभी, तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ देगा और ये जो फोर्स है जो इसे न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ, ये पावरफुल होकर इसे अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिन क्या है जाकर के न्यूक्लियर में, यानी कि न्यूक्लियस में समा जाएंगे। तो इसका मतलब पूरे एटम का साइज तो न्यूक्लियस जितना हो गया ना, सिकुड़ गया ना पूरा का पूरा। सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप पूरे शेप खत्म हो गए, यानी कि हम लोग भी सिकुड़ जाएंगे, यानी हर चीज जो है वो सिकुड़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो अपने ऑर्बिट में बना हुआ है। एक्सेलरेशन करने के बाद भी, रेडियो एक्टिवनेस छोड़ने के बाद भी ये बना हुआ है अपने ऑर्बिट में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज समझाने में रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया था, और यहां से जो है काम शुरू होता है नील्स बोर का, यानी कि द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। जब उन्होंने ये एटम निकाला तो आइडियली सभी के सभी तत्वों के लिए एटम, मतलब एटम का जो मॉडल है वो बनता चला गया। अब वो क्या था, कैसे था, उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, उसकी रेडियस क्या होती है, कैसे उसका ऑर्बिट पता करते हैं, साथ ही उसका ड्रॉबैक भी समझ में आएगा मॉडल का। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करेंगे बोर मॉडल की। फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कुछ समझ में ना आया उसके अंदर, या हमसे कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।